सागर जिले में लगातार बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए इन दिनों पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। हर एक घटना पर गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। इसी संबंध में लगभग 4 से 5 दिनों पहले मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भागीरथ अस्पताल से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल की रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी। मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राहतगढ़ थाना क्षेत्र निवासी मोनू ठाकुर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उक्त चोर से उसके गिरोह के संबंध में अभी भी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधी पर उचित धाराओं में मामला कायम करके कार्रवाई कर दी गई है। अभी 3-4 दिन पहले फरियादी ने थाने मोतीनगर में रिपोर्ट की थी कि वह भागीरथ अस्पताल इलाज कराने के लिए आया था और उसकी मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी हुई है। FIR होने के बाद वहाँ के फुटेज के आधार पर और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर एक सस्पेक्ट का सामने आया था, उसके आधार पर तलाश की। तो तलाश करने के दौरान मोनू ठाकुर, पिता का नाम जगत सिंह ठाकुर है, ये रहने वाला है पड़ा सरोई थाना राहतगढ़ का रहने वाला है, इसको पकड़ कर से पूछताछ की। तो जो बाइक चोरी हुई थी भागीरथ से वो और उसके अलावा 6 इस प्रकार से कुल 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। तो आरोपी को पकड़ने के बाद इसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया था, ये 5 या 6 बार इसके पहले भी चोरी के अपराधों में जेल जा चुका है। कैश के और साथ ही भी पकड़ने की संभावना? हाँ बिल्कुल, इसे आरोपी से अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में और इसके जो साथी दारान हैं उनके संबंध में सघन पूछताछ की जा रही है।